नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी अभी तक का विवादों में घिरी हुई है। मूवी 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, पर लेकिन फिल्म को CBFC की तरफ से सर्टिफिकेशन ना मिलने की वजह से, मतलब मूवी को रिलीज़ होने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो सर्टिफिकेट मूवी को नहीं मिल पाया, तो आज 6 सितंबर से लेके आज लगभग 19 सितंबर हो चुके हैं और कंगना रनौत की मूवी अभी तक का रिलीज़ नहीं हुई है। और इसके बाद कमाल की बात ये है कि पता भी नहीं है कि अभी मूवी कब रिलीज़ होगी, पर लेकिन कोर्ट की तरफ से एक जवाब आया है। दरअसल सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों ने कंगना रनौत की इस फिल्म पर समुदाय को गलत तरीके से दिखाने के, ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के कुछ आरोप लगाए हैं, जिस कारण एक ये भी रहा है कि फिल्म को अभी तक का CBFC यानी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। केंद्रीय फिल्म परमानन बोर्ड CBFC की फुल फॉर्म है और इस बोर्ड की तरफ से अभी कंगना रनौत की मूवी को सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब तक का इस बोर्ड की तरफ से कंगना रनौत की मूवी को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता ना, मूवी किसी भी प्रकार से रिलीज़ नहीं हो सकती है। जिसके बाद जब हाईकोर्ट में, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस CBFC यानी केंद्रीय फिल्म परमानन बोर्ड से कहा कि आप फिल्म कब रिलीज़ हो रही है इस बारे में कुछ जानकारी दें, कुछ जानकारी तो दें। और अगली बैठक के दौरान यानी 26 सितंबर तक का CBFC को फैसला लेने के लिए कहा है कि 26 सितंबर तक का हमें जवाब चाहिए कि मूवी आखिर क्यों नहीं रिलीज़ हो पा रही है। इस तरीके से 26 सितंबर को अब CBFC को जवाब देना होगा। और दरअसल आज PTI के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता। सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका है। दरअसल आज बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर न्यायमूर्ति BP कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पुनीवाला की बेंच ने सर्टिफिकेट जारी करने पर निर्णय नहीं लेने के लिए केंद्रीय फिल्म परमानन बोर्ड CBFC के प्रति नाराजगी भी जाहिर की और 25 सितंबर तक का फैसला लेने को कहा कि CBFC के खिलाफ नाराजगी जाहिर की कि आखिर आप जवाब दीजिए और 25 सितंबर तक का फैसला लीजिए और 26 सितंबर को फैसला हमें सुनाइए। इस तरह से आज बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा CBFC को कहा गया। दरअसल मूवी जब से बन रही थी ना, तब से ये मूवी विवादों में ही है और अभी तक का ये मूवी विवादों में ही है। इसका विवाद नहीं सुलझ पा रहा है और लगातार फिल्म की डेट जो है आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, मूवी 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी। अब आगे रिलीज़ होती है ना मूवी, तो मूवी का वो क्रेज़ नहीं रहेगा जो 6 सितंबर के दिन था, क्योंकि हमें पता था कि मूवी आज रिलीज़ होने वाली है। मैं एक दर्शक के तौर पर बता रहा हूँ और मुझे आज मूवी देखने जाना था, मेरा मन था, बट अब उस मूवी का पता ही नहीं कब रिलीज़ हुई है, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होता चले जाएगा और एट द एंड ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मन ना करे कि मूवी ना देखूँ, इस प्रकार भी हो सकता है और ये एक तथ्य भी है। हालांकि कंगना रनौत ने अब कोई सोशल मीडिया पर अपना बयान नहीं दिया है अपनी मूवी को लेकर। स्टार्टिंग में तो काफ़ी बयान दे रही थी सोशल मीडिया पर कि मूवी रिलीज़ नहीं हो पा रही है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, पर कई दिन हो गए कंगना रनौत ने खुद ने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ, अंदर ही अंदर कार्य कर रही होंगी शायद, बट सोशल मीडिया पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि देखते हैं कंगना रनौत की मूवी कब रिलीज़ होती है, या फिर लास्ट में ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है भाई, अभी आगे देखने में ही पता चलेगा। कुछ दिन और रह रहे हैं 26 सितंबर को, तो वैसे भी CBFC को अपना निर्णय देना है कि सर्टिफिकेट मूवी को दिया नहीं दिया, क्या बात है, सब क्लैरिफाई करना होगा CBFC को। हालांकि देखते हैं आप आगे क्या होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत की मूवी जल्द रिलीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।